नमः शिवाय। सभी स्वर साधकों को मेरा प्रणाम। लगभग पिछले 3 वीडियोस में मैंने आपको बताया किस प्रकार स्वर आपकी साधना में सहायक हो सकता है और किस प्रकार स्वर साधना से आप प्राणायाम के एक अलग डायमेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में कुछ मित्रों ने सवाल भी पूछे, आज उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। एक मित्र ने सवाल पूछा है कि हम यह कैसे पता लगाएं स्वर विज्ञान के माध्यम से कि कोई झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो ऐसा कभी सवाल आया नहीं मेरे पास स्वर विज्ञान से संबंधित। मनोविज्ञान से संबंधित ऐसे सवाल अनेक बार आए, लेकिन स्वर विज्ञान का प्रयोग कैसे किया जाए इस बात को जानने के लिए कि यदि कोई झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, तो मैंने खुद अपनी साधना से परीक्षण किया कि यदि कोई बच्चे को झूठ बोल रहा है, जैसे आपने आइसक्रीम छुपा दी और बच्चे को आपको पता है और आइसक्रीम नहीं देनी, तो आपने कहा नहीं आइसक्रीम खत्म हो गई, कभी आप कैसे ऐसे कह देते हैं ना, तब आपका चंद्र स्वर जागृत होना चाहिए, ऐसी संभावना बहुत बड़ी है इस बात की। और यदि कोई आपसे असहज रूप से झूठ बोलता है, जैसे आपने किसी मित्र से बोला कि मुझे 10,000 रुपये उधार चाहिए, वो कहेगा अरे मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन उसके पास पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि आपको वो उधार दे सके, आपकी सहायता कर सके, तो निश्चित रूप से उसके दोनों स्वर उस समय जागृत होंगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरी साधना के परीक्षण से सामने आया सत्य। यदि कोई व्यक्ति क्रोध में असत्य बोलता है, जैसे आप कभी क्रोध में होते हैं कह देते हैं मैं तेरी जान ले लूंगा, अभी आप किसी को कह दें मैं तेरी हत्या कर दूंगा, कभी कोई ऐसे किसी को कह दे, हमारा इरादा नहीं होता उस समय हत्या करने का ही, लेकिन वो क्रोध का वचन सामने आता है, तो उस समय निश्चित रूप से सूर्य स्वर जागृत होना चाहिए, ऐसी मेरी मानना है। और यह तो आप कभी जान नहीं पाएंगे क्योंकि कौन व्यक्ति सत्य बोलता है कौन असत्य बोलता है, क्योंकि उसका स्वर परीक्षण करना होगा ना, आप ये बात को कैसे जान पाएंगे कि वो सच बोला या झूठ बोला, आप तो उसके नाक पे हाथ लगा के नहीं बता पाएंगे इसको, तो थोड़ा सा कठिन काम है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। एक और मित्र ने सवाल पूछा है कि श्वास को नासिका के अग्रभाग से लेकर नाभि तक किस प्रकार से देखें, इसकी विधि को डिटेल में बताएं। ये बहुत ही आसान विधि है, आप अपनी साधना के मार्ग पर इसको प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा मुश्किल लगता है कि आप नासिका से लेकर नाभि तक के श्वास को आसानी से नहीं देख पाते हैं, तो अपने सामने किसी दीवार पर या कहीं भी एक सीधी रेखा में या दीवार पर ही किसी पेन से या पेंट से या रंग से एक सीधी रेखा केंद्रित करें, एक सीधी रेखा बनाएं लगभग 2.5 या 3 फुट की, और उसे एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक देखना शुरू करें। ऐसा समझें कि ऊपर जाना श्वास का भीतर लेना है और बाहर जाना श्वास का बाहर आना है। इस प्रकार से जब आप आंखों के माध्यम से इसका अभ्यास करेंगे, तब आप इस बात को समझ पाएंगे कि श्वास को कैसे ट्रेस किया जाए। यह बात बहुत जरूरी है, आपने अपनी श्वास का एक एक कदम पकड़ना है, आपने महसूस करना है ना उसको, तभी तो आप श्वास को पकड़ के ही तो स्वर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि प्राणायाम जो सिद्ध कर लेगा वो ही व्यक्ति स्वर विज्ञान स्वर योग के मार्ग पर आगे बढ़ पाएगा। यदि प्राणायाम ही सिद्ध नहीं, यदि इतना ही अभ्यास नहीं कि श्वास को देख सकें नासिका से लेकर नाभि तक, तो आपका स्वर विज्ञान में स्वर योग में आगे बढ़ना बहुत कठिन होगा। इसलिए ये प्राणायाम का अभ्यास होगा, जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था, नासिका से लेकर नाभि तक श्वास को देखने का प्रयास करें, किस प्रकार से श्वास अंदर जा रही है बाहर आ रही है आंखों से देखें, उस रेखा को सीधी रेखा को जो लाइन आपने खींची है
उसे देखते रहें एक कोने से लेके दूसरे कोने तक, फिर नीचे से ऊपर तक देखें। जैसे आपकी आंखें काम करने लगेंगी, धीरे धीरे आपके मन को समझ आएगा कि श्वास कभी कैसे पीछा करना है। एक मित्र ने सवाल पूछा है कि पंचभूतों को किस प्रकार से समझा जाए स्वर विज्ञान के माध्यम से। यह तो बहुत ही उपयोगी सवाल है। मैं तो शायद प्रतीक्षा करता था कि कोई ऐसा सवाल पूछे तो मैं उसका जवाब दे पाऊं। पंच महाभूत आप समझ लें, भूमि, वायु, अग्नि, आकाश और जल, इन सबको मिला के पंच महाभूत बनते हैं। उन पंच महाभूतों में भी दो महाभूत मुख्य हैं, वो है जल और अग्नि। एक स्वर साधक हमेशा ही दो तत्वों की साधना करता है, या तो वो जल की साधना करता है या वो अग्नि की साधना करता है। यदि आप अग्नि की साधना करते हैं तो जल से आप दूर भागेंगे, जल के साधनों से आप दूर भागेंगे। जल को आप महसूस करने के लिए, क्योंकि अग्नि और जल का मिलन नहीं है, इसी प्रकार जो व्यक्ति अग्नि की साधना करता है वो जल से दूर रहेगा। जल की साधना करने वाला अग्नि से दूर रहेगा। और पृथ्वी के पंच महाभूत कहीं ना कहीं इन दो तत्वों में समाहित होते हैं, जो कि अग्नि और जल के रूप में है, और स्वर विज्ञान में जो कि सूर्य और चंद्रमा के रूप में विद्यमान है। किस प्रकार से हम सूर्य और चंद्र की साधना से पंच महाभूतों को सिद्ध कर सकते हैं, यह मैं आपको अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करूंगा। आशा है कि आज आपके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपको संतुष्ट कर पाएगा। मेरी यह कामना है आप स्वर योग का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें और अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।